जीटी कमांड, ग्रेडियंट कमांड कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। ठीक तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सही नहीं बना, थोड़ा बहुत कोई भी गलत है। मदिरा पान करने वाले ठीक है, तो इसके अंदर हमें कलर फील करना है, तो जीडी कमांड लगाएंगे, जी डी ग्रेडियंट। इसमें भी सेम प्रोसेस मिलेंगे आपको, यहाँ पर आपको वन कलर चाहिए तो एक कलर चाहिए, तो एक यहाँ पर वन ले सकते हैं, मतलब वन कलर पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको डबल कलर चाहिए तो आपका टू कलर पे क्लिक करो, टू कलर दो कलर आएंगे, यहाँ पे क्लिक करिए, यहाँ से आपको जो जैसा कलर चाहिए वो यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे को मान लो यहाँ से चाहिए रेड कलर, तो रेड ले लूंगा, ओके कर दूंगा। अभी यहां से मैं ले लूंगा ये वाला और एड पिक पॉइंट पे जाऊंगा, स्पेस दबाना, ना कि आपको एंटर करना है, स्पेस दबाओगे और प्रीव्यू में जाओगे, मतलब दो कलर होगा जीडी में, मतलब ग्रेडियंट दो तरह, दो कलर तो मिलके बनता है, ऐसा ही हो गया। एंटर कर दो, अप्लाई कर दो। यहाँ पर वो अलग चाहिए, यहाँ से मान लो मेरे को येलो कलर चाहिए तो मैं यहाँ से येलो ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ और ये ले लेता हूँ मैं राइट क्लिक पॉइंट, क्लिक और ओके, इस तरीके। अब इसको एडिट करना है तो कमांड इसके लिए भी एच ई लगेगी, हैच एडिट कमांड ही लगती है। वापस यहाँ से कलर चेंज कर लो, आपको जो अच्छा लगे वो कलर यहाँ से ले सकते हो, ओके कर दोगे तो कलर चेंज हो। एच ई कमांड हैच एडिट से होता है, कलर चेंज करना वापस इसके अंदर ग्रेडिएंट का है ना। मैंने यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ 3 रेडियस का, एक लाइन लेता हूँ यहाँ से 1.5, आर्क लेता हूँ यहाँ से 1 mm, एंटर, मिरर डिलीट, जे एंटर से ज्वाइन, एरे करूंगा मैं, एरे कमांड से एरे लेता हूं, एरे पोलर, अब यहां पे आइटम बढ़ा देता हूं, फिल एंगल मेरे को इतना ही रही है, आइटम में कर देता हूं 9, 9 से ही नहीं हो रहा 10 करने पर, तब क्या आपको ज्यादा चाहिए ज्यादा भी ले सकते हैं, 11 कर दोगे तो चल जाएगा, इस तरह हो गया। एग्जिट, अब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक डिलीट करना पड़ेगा। अब इस ऑब्जेक्ट को आप जे एंटर से ज्वाइन कर दीजिए, सेलेक्ट करा, एस जी एंटर करा, स्केल सेंटर पॉइंट, सी प्रेस दो कॉपी के लिए,
इसके अकॉर्डिंग रखा, इसको रोटेट करूंगा आरओ से, ठीक है। मेरे को इसको यहां पे रखना है, वापस इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, वापस स्केल कर लीजिए, वापस सेंटर पॉइंट ले लीजिए, वापस आप सी प्रेस करेंगे कॉपी के लिए, वापस इसको सेलेक्ट करेंगे, वापस रोटेट करेंगे आरओ से, ठीक है। मिल जाएंगे, वो एंगल देखना पड़ेगा, मैं रैंडम कर रहा हूँ। वापस इसको रोटेट कर दो आरओ से, ठीक है। मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, इस कारण ऐसा हो रहा है ना, आप तो अपने यूज के अकॉर्डिंग कर सकते। कॉलर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट डिलीट, ऑल सेलेक्ट, टीएचपी, चेंज ऑफ प्रॉपर्टी कलर, कलर मैंने कर दिया मान लो यहां पर येलो, ठीक है। अब मेरे को जीडी कमांड यूज करना, ग्रेडियंट, इसने ये हेजिंग इसके अंदर अप्लाई कर, बट ये सारे सब इसने सब के साथ कर दी, एक साथ सब में कर दी, मेरे को एक साथ नहीं चाहिए ना। इस हेजिंग का मैं एरे भी कर सकता हूं, और इसको मैं इधर लाकर कॉपी भी कर सकता हूं, मैं वापस हला रहे अलग अलग करना, जीटी कमांड लगाऊंगा, ये क्या होता है, कहीं से छुटा हुआ होता है या गैप होता है, उस कारण से ये इस तरीके से लेता है ना, ये ध्यान रखना है ना, एक्यूरेट होना चाहिए, बाउंड्री क्रिएट होनी चाहिए। मैं इसका एरे भी कर सकता हूँ, ठीक है, एचए का भी एरे कर, ओके। एक मैंने यहाँ पर सर्कल लिया 3 रेडियस का, यहां से मैं एक लाइन लेता हूं, यहां से इसको रोटेट कर देता हूं आरओ से, रोटेट यहां से करा, तीस डिग्री यहां पर सेंटर में छोटा सर्कल बना लीजिए, पॉइंट 75 का, इसको आप मिरर कर देंगे यहां से, टी आर एंटर, यहां पर कमांड यूज करेंगे फिलेट, एफ एंटर, आर एंटर, रेडियस दे दूंगा 1, ज्यादा हो रहा है, फिलेट आपको करना है, रेडियस देनी है 0.5 दे दीजिए, ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है। आप चाहो तो यहां पर भी फ्लैट ले लेना है, यहां पर मेरे को उतना नहीं चाहिए,
ये भी फिलेट कर सकते हैं, बट ये मेरे को इतना नहीं चाहिए, इसको कम रखना है, तो फिलेट में रेडियस कर देंगे 0.25। यहां से एक सेंटर से लाइन ले लीजिए F8 ऑन करके, ये कांस्टेंट ऑन कर रहा है। एक मेरे को इस पॉइंट से लाइन चलानी है, इसको एक्सटेंड करूंगा EX कमांड से, इसको मिरर करूंगा, ये लाइन थोड़ी छोटी होती है तो आप छोटी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं बड़ी बड़ी भी हो। ये लाइन ना तो मैन्युअली ले रहा, लाइन तो मैं ना कोई मेजरमेंट नहीं है। सेलेक्ट डेस ए आर कॉलर सेंटर पॉइंट आइटम 4। फोर ले सकते हैं तो मैं लेता हूँ, 6 आइटम लेता हूँ, 4 नहीं लेता हूँ। डेस ए आर कॉलर सेंटर आइटम 6, एंटर 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 इस तरीके। इसमें भी एक कलर फील कर सकते हैं, GD कमांड। इसमें तो लाइनें दिख रही है, इसमें लाइनें छुप गई है, वो भी दिख जाएगी, वो दिख नहीं जाएगी। एक एक में आपको एचिंग करनी पड़ेगी, दिख रही है? एक एक अंदर अलग अलग एचिंग करनी पड़ेगी आपको, फिर वो दिख जाएगी। ग्रेडिएंट ग्रेडियंट से लाइन खींचती नहीं है ना, लाइन के लिए काम आता नहीं है। करने के बाद कलर फिल के लिए क्लोज बाउंड्री चाहिए, कम से कम पूरा बाउंड्री के लिए क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद ये काम करता है। अब लेआउट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, समझ आएगी जीटी कमांड कौन सी होती है, क्या करना यूज होता है। एक तो हैचिंग थी, एक होती सुपर है, जिसमें हम इमेज की कोई ब्लॉक की हैचिंग कर सकते, ठीक है ना, ब्लॉक हो गया ना हमारा। जिसमें ये ड्राइंग बनाई, इसको मैं ब्लॉक क्रिएट करना चाहता हूँ, कमांड होती है DESP, एंटर एंटर द ब्लॉक नेम, मैंने लिख दिया मान लो फ्लावर, स्पेसिफाई द इंसर्ट पॉइंट, ये रहेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सेलेक्ट कर लो, एंटर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। क्या नाम आएगा, ब्लॉक रेफरेंस। पहले ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर इंसर्ट पॉइंट, मतलब कहां से आपको वापस इंसर्ट होगी, इस पॉइंट से होगा, तो ये इंसर्ट पॉइंट है इसका, यहां से वापस ड्रॉइंग आएगी हमारी। फिर आपको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। अब इसको डिलीट कर दूंगा तो मेरे पास ड्रॉइंग से है भाई, मिल जाएगी मेरे को, इस पेज में मिल जाएगी। कमांड लगाऊंगा DESI, जो नाम था हमारा फ्लोवर वगैरह वो आ गया, एंटर एंटर एक और एंटर आ जाएगा फ्लो। और मेरे को इस ब्लॉक का यूज हैचिंग के अंदर करना है, मतलब खुद की हैचिंग यूज करनी है, तो कमांड लगाऊंगा, मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ पर, डी एंटर करा, 10 फिट कॉमा 10 फिट एंटर, ठीक है ना। RAC एंटर, क्लिक डी एंटर, 10 फिट। अब इसके अंदर हमें खुद की हैचिंग करनी हो तो कमांड लगानी है सुपर हैच, सेलेक्ट द ब्लॉक, ब्लॉक का नाम क्या था, फ्लोवर आ गया, और इसको कहाँ हैचिंग करवानी, कहाँ से इंसर्ट करवाना, यहाँ से करवाना। अभी आपसे स्केल फैक्टर पूछा, स्केल फैक्टर हमको चेंज नहीं करना है, डिफॉल्ट ही रखना है, एंटर।
वाई स्केल वेक्टर भी चेंज करना एंटर, रोटेशन रोटेशन एंगल चेंज करेंगे तो फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि तो तार में तो एक तरह की ड्रॉइंग ही है। ये पूछता है इज द प्लेसमेंट दिस ब्लॉक एक्सेप्टेड, तो यस कर दो। फिर आपको इसके अंदर देना तो स्पेसियो ब्लॉक एक्सटेंड, एक्सटेंड नहीं करना है जो है उसको अंदर ही रखना है। फिर इसके अंदर क्लिक करोगे हो रहा है, एचिंग हो रही है इसका। खुद की हैचिंग बनाकर हम इसका यूज कर सकते हैं। एक बार वापस देख लो, कमांड डी सुपर हैच ब्लॉक, ब्लॉक का नाम फ्लॉवर था, ओके। इंसर्ट पॉइंट मैंने दे दिया सेंटर में, एक्स स्केल फैक्टर एंटर, वाई स्केल फैक्टर भी वही रखना है एंटर, रोटेशन एंगल जीरो रखना है एंटर, एक्सेप्टेड ब्लॉक यस कर देना है, एक्सटेंड ब्लॉक में कुछ नहीं करना है, अब इंटरनल पॉइंट देना है, क्लिक सेंटर यस। ये आपकी खुद की हैचिंग क्रिएटर है, खुद की वो इमेज इमेज चीज इसके अंदर हैचिंग करवानी, कमांड तो सुपर हैच ही रहेगी, इमेज पे जाएंगे। जैसे मान लो ये इमेज ले ली मैंने, ओपन करा, ओके करा, कहाँ पे लेके आनी, यहाँ से लानी है, स्केल फैक्टर चेंज नहीं करना, डिफॉल्ट जो चल रहा है वही रहने दो, इंटरनल पॉइंट दे देना है और एंटर कर दो। देखो कमांड क्या थी, सुपर एच, SUP या सुपर एच, इमेज, इमेज में इमेज को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ से ओके करा, यहाँ मैंने मान लो ये इसका इंसर्ट पॉइंट यहाँ दे दिया, फिर यूनिट को चेंज नहीं करनी है, एंटर कर दोगे, द प्लेस इमेज एक्सेप्टेड तो यस कर देना है, इंटरनल पॉइंट इसके अंदर क्लिक करना है, मतलब इसके अंदर इंटरनल पॉइंट देना है, फिर आपको एंटर करना है। इमेज क्लिक ओपन ओके क्लिक करा एंटर यस इंटरनल पॉइंट और यस क्या की इमेज गलत है। एक सुपर हेड के अंदर और ऑप्शन मिल रहा है आपको, एक्स अटैच, वाइप आउट क्या होता है, वाइप आउट में तो कुछ नहीं होगा, आपको इंटरनल पॉइंट क्लिक कर दोगे एंटर कर दोगे तो ये पूरा प्रिंट में नहीं आएगा, मतलब एकदम पूरा इसमें है जो भी ऑब्जेक्ट है वो हाइड हो जाएगा, वाइप आउट हो जाता है, वाइप आउट कमांड भी होता है अलग से वो बताएंगे। और इसमें आता है एक्स रेफरेंस अटैच, मतलब जैसे कोई आपकी ऑटोकैड की फाइल है उसका इसके अंदर कोई हैचिंग करवानी है, ये है ये इसमें प्लेस हो गई यस एंटर, एडवांस पॉइंट में इसका ना इंटरनल पॉइंट देना और एंटर करना। वो फाइल बहुत बढ़िया है तो इसके अंदर नहीं आएगी अभी, है ना, ठीक है ना, वो इमेज तो इसके अंदर मतलब ऑटोकैड फाइल तो हम इसके अंदर हम रेफरेंस करवा सकते हैं, बट वो बहुत बड़ी फाइल है तो इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट छोटा है। तो वो इसके अंदर शो नहीं करेगी, इसके अंदर छोटी अपडेट होगा तो वही शो करेगा। वाइपआउट कमांड क्या होती है कि आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखाना है या नहीं दिखाना है, कमांड वाइप आउट। अब फ्रेम मेरे पास सिलेक्ट है तो उसको सिलेक्ट कर लो, फ्रेम कौन सी है, फ्रेम पे जाऊंगा या पॉलीलाइन ले लूंगा, पॉलीलाइन सिलेक्ट इसको करूँ यस, अभी प्रिंट में नहीं आएगा ऑब्जेक्ट हमारा, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा ना मेरे, कोई भी, देखो मैंने सर्कल बना लिया, एक एलिप्स बना लिया इसके अंदर,
अब ये प्रिंट में नहीं आएगा अगर मैं यहाँ पर वाइपआउट लगा दूं। वाइपआउट पॉलीलाइन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट तो हट गया अंदर, प्रिंट में नहीं आएगा। ऊपर वाइपआउट मतलब कोई चीज को छुपाने के लिए काम करते हैं। हमने बहुत सारी ड्राइंगे बना रखी है तो प्रिंट में दिखाना हो, नहीं दिखाना प्रिंट मतलब पोर्ट्रेट नहीं दिखाना, तो वाइपआउट कर दो। डिलीट नहीं होती ना, डिलीट नहीं होती है, ओनली छुपती है। मान लो आपको फ्रेम भी नहीं दिखानी है तो वो भी कर सकते हैं। फ्रेम पे जाकर अभी ऑन करके मैं ऑफ कर देता हूँ, फ्रेम भी बंद हो गई। ठीक चार आइटम में जैसे केक और बनाता हूँ। हाँ